लो दोस्तों, शॉमी यार उनके कस्टम स्किन मी यूआई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पे कलर ओएस 7 भी आ चुका है और उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको शॉमी के मी यूआई 11 में भी देखने को नहीं मिलते। सो फाइनली ये कॉम्पिटिशन ध्यान में रख के शॉमी ने चाइना में मी यूआई 11.1 का बीटा अपडेट यहाँ पे लॉन्च किया है। तो उसके कुछ फीचर्स आपको फटाफट बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे नए चेंजेस इसमें आ चुके हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास पोको ये फोन, जिसमें यार मैंने यहाँ पे शॉमी का लेटेस्ट बीटा वर्जन इंस्टॉल किया है। देख सकते हो MIUI 11.28 का ये लेटेस्ट बीटा वर्जन है जो पोको ये फोन के लिए पोर्ट किया है और एक MIUI रोम बेस्ड वर्जन है। तो यहाँ पे यार पोको ये फोन के लिए MIUI 11 Android 9 के साथ देखने को मिलता है, पर इस रॉम में आपको Android 10 देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी बड़ी बात है और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइज बस 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, बस 500 लाइक यार कंप्लीट करना है, ज़्यादा नहीं होते 500 लाइक। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चेंज की, जो आपको MIUI 11 में अभी नेक्स्ट वाले अपडेट्स में शायद मिल सकता है। तो यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गाइस जो पोर्टेबल हॉटस्पॉट था, ये पहले आपको मेन सेटिंग में देखने को मिल रहा था, ये अब इसे सब सेटिंग कनेक्शन एंड शेयरिंग में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे गाइस आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्मार्ट नेटवर्क। यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क के रिलेटेड यार यहाँ पे AI की मदद से बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नेटवर्क टाइप, ऑन कॉल, यहाँ पे देख सकते हो 2G 3G 4G ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। टर्न ऑफ वाईफाई व्हेन यू कॉल, यार मतलब डिसेबल मोबाइल डाटा व्हेन कॉल व्हेन वाईफाई इज टर्न ऑन, मतलब यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको स्मार्ट नेटवर्क्स में देखने को मिलने वाले जो नेक्स्ट वाला MIUI 11.1 का स्टेबल अपडेट रहेगा। उसके साथ यहाँ पे बात करते हैं और कुछ चेंजेस की, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गाइस लॉक स्क्रीन में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा था डबल टैप टू वेक, ये ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ पे गाइस आपको डबल टैप टू लॉक ऑन स्क्रीन, ये भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी यार अच्छी बात है। और जिनमें आपको एमोलेड पैनल देखने को नहीं मिलता और जिनमें आपको अलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, उनमें यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलवेज शो अनरीड नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, ये भी देखने को मिलता है। और वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये भी आपको दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे जो LCD पैनल वाले अभी भी MIUI 11 के फोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। यार ये भी काफ़ी सही बात है। उसके साथ बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की, जो यार साउंड एंड वाइब्रेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, डिफॉल्ट एडजस्टिंग वॉल्यूम के नीचे चार्जिंग साउंड, यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं फाइनली, और लो बैटरी साउंड, ये भी आप फाइनली बंद कर सकते हैं। तो यार ये भी तो दो चेंजेस इन्होंने ऐड किए हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यार गाइज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ शॉमी के MIUI के ऊपर, तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ऑल पे जाके, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में डालता रहता हूँ। उसके साथ डिस्प्ले सेक्शन में भी गाइज एक ऑप्शन देखने को मिलता है मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप यार मैक्सिमम जब वीडियो कॉल करते हो तो कभी कभी लो ब्राइटनेस रहता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका शेड्यूल भी आप इनेबल कर सकते हो। मतलब यार कितना यहाँ पे चीज़ें कस्टमाइज की है शॉमी ने, कितना कस्टमाइजेशन, बहुत ही हाईली कस्टमाइजेशन है। एंड ब्राइटनेस लेवल में यहाँ पे यार ब्राइटनेस बंद करने के बाद भी सनलाइट मोड देखने को मिलता है, हालांकि फीचर आ चुका है पर इस वर्जन में यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। शायद ये इसी अपडेट में, मतलब स्टेबल अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ गाइज यहाँ पे जो नीचे डिस्प्ले सेक्शन में जो डार्क मोड है, इसमें भी गाइज इस नेक्स्ट वाले MIUI 11.1 के अपडेट में आपको डार्क मोड शायद देखने को मिल सकता है। तो यार वेट कर रहे हैं हम डार्क मोड की, जिन एप्लीकेशन में डार्क मोड यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है उनमें ये ग्लोबल डार्क मोड ऑटोमेटिकली डार्क मोड इनेबल करता है। और उसके साथ यार यहाँ पे यूज न्यू MIUI फॉन्ट्स, ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यार ये भी काफ़ी सही बात है, क्योंकि जो फॉन्ट आया है MIUI 11 में, वो जो आपको शो किया था जब MIUI लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो वो फॉन्ट अभी भी नहीं चल रहा है। तो यार ये फॉन्ट भी यूज करने का ऑप्शन फाइनली आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके साथ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कुछ फीचर्स की, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
यहाँ पे गाइस एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे कुछ आइकन्स यहाँ पे आपको फाइनली देखने को मिलने वाले हैं। उसके साथ गाइस जिनमें आपको नॉच देखने को मिलता है उन फोन में यार नॉच एंड स्टेटस बार में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। शो इनकमिंग कॉल्स ये तो मिल जाते हैं। कलर्ड नोटिफिकेशन आइकन्स यस गाइस ये भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो शो इन डबल स्टेटस बार, मतलब जिन फोन में आपको नॉच देखने को मिल जाता है वहाँ पे भी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आइकन आते हैं वो भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको फाइनली देखने को मिलने वाले हैं। और उसके साथ गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि इस अपडेट में ही आपको जो ग्लोबल डार्क मोड तो देखने को मिलने वाला है, उसके साथ जो अल्ट्रा बैटरी सेवर है ये भी शायद इस अपडेट में आपको देखने को मिल सकता है। और उसके साथ जो वीडियो प्रोफाइली मतलब इनकमिंग कॉल आता है जब तब वीडियो जो ऑप्शन आया था एक, सो यार यहाँ पे अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड ये भी 11.1 के अपडेट में आपको देखने को मिल सकता है। और वीडियो प्रोफाइल फॉर इनकमिंग कॉल्स ये भी ऑप्शन आपको नेक्स्ट वाले MIUI 11.1 के अपडेट्स में शायद देखने को मिल सकता है। तो ये था अपडेट के रिगार्डिंग वीडियो। और ऐसे कुछ MIUI 11 में चेंजेस आते हैं आने वाले टाइम में, तो यार मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।